टीवी एक्ट्रेस और कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह बिजनेसमैन दीपक चौहान से शादी करके अपनी नई लाइफ में कदम रख चुकी हैं। कपल ने अपनी शादी मंदिर में बेहद सादगी के साथ की थी। एक्ट्रेस का हल्दी मेहंदी से लेकर वरमाला तक का हर एक लुक काफी चर्चा में रहा। शादी के हर एक फंक्शन से लेकर हनीमून मनाने तक आरती सिंह ने अपने फैंस के साथ हर एक अपडेट शेयर की। आरती सिंह और दीपक चौहान शादी के बाद पेरिस में हनीमून के लिए गए थे, जहां से कपल की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आरती सिंह ने पति संग कई खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी, जिसमें से वो पेरिस और ग्रीस में हनीमून एंजॉय करते हुए दिखाई दी थी। अब हाल ही में हनीमून पर इतना अच्छा टाइम बिताने के बाद आरती मुंबई वापस लौट चुकी हैं। हाल ही में एक्ट्रेस का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरती सिंह अपने पति पर आग बबूला होती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में आरती दीपक चौहान के एक घंटा लेट होने पर उन पर गुस्सा होती हुई नजर आ रही है। वायरल वीडियो में आरती से दीपक पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो इतने गुस्से में हैं। इस पर आरती सिंह बोलती नजर आ रही हैं कि तूने बोला था कि मैं 4:30 बजे तक आऊंगा, फिर दीपक ने कहा कि एक घंटा ही तो लेट हुआ हूँ। इस पर आरती कहती हैं कि एक घंटा बहुत होता है और मेरा शॉपिंग करने के अलावा मेरा बहुत सारा काम रुक गया है। अब दिमाग खराब मत कर, थप्पड़ पड़ेगा। तेरी वजह से मेरा जिम भी स्किप हो गया, घर पर बैठा कर रखा है, कहीं की भी नहीं रही मैं। इसके बाद जब दीपक कहते हैं कि अब मुझे क्या करना होगा, तो आरती कहती है लात पड़ेगी तुझे। आरती सिंह और दीपक चौहान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कई लोग एक्ट्रेस के गुस्से वाले अंदाज को क्यूट बता रहे हैं, तो कुछ यूजर्स ने आरती को ओवर एक्टिंग के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया है। बता दें कि आरती सिंह और दीपक चौहान की शादी 25 अप्रैल को मुंबई में हुई थी, जिसमें उनकी फैमिली और दोस्तों के अलावा ग्लैमर वर्ल्ड के कई सितारों ने भी हिस्सा लिया था। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहे इंस्टा फीड के साथ और हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।